तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा, अगर आपको उस तरह का वीडियो क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वहां मैंने एक प्रोजेक्ट का लिंक दिया है, आपको उस प्रोजेक्ट को अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपुट कर लेना है। इंपुट करने के बाद आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट को कर लेना है। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने सॉन्ग को बीट के हिसाब से मार्क कर चुके हैं और इसमें हम अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर चुके हैं। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस फोटो एड करना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक कलरफुल वीडियो एड करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एड करते हैं। वीडियो को एड करने के बाद फिर आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और इसको आपको सारे लेयर के नीचे ला कर रख लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक शैडो का इमेज ऐड करना है। इस इमेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को ऐड करते हैं। इमेज को ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना है और आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लाइटिंग, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको इस शैडो वाले इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। इसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर पे क्लिक करना है और आपको तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसकी साइज को आपको कुछ इतना बड़ा कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको उसी शेड वाले इमेज को सिलेक्ट करना है और इसको आपको फोटो वाले लेयर के नीचे लाकर रख लेना है। इसको आपको कुछ इस तरह से फोटो वाले लेयर के नीचे लाकर रख लेना है। इसके बाद फिर आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट का लेयर मिलेगा, सिंपली आपको उस लेयर को सिलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर लेना है। तो चलिए हम अपना नाम टाइप कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक इमेज का लेयर मिलेगा, सिंपली आपको उस लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। हम आपको बता दें कि इसमें आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका हो। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने फोटो को सिलेक्ट करते हैं। तो फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने पहले लेयर में फोटो एडिट कर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप को एडिट करके इसमें भी आपको अपना फोटो एडिट कर लेना है। तो इसके लिए सिंपली आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको जितने भी लेयर मिलेगा सारे लेयर में आपको अपना अलग अलग फोटो एडिट कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपको अपना नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह से आपको सारे लेयर में अपना फोटो एडिट कर लेना है। तो चलिए हम इसको एडिट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने सारे लेयर में अपना फोटो एडिट कर चुके हैं। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ से लेके एंड तक जितना भी ग्रुप है सारे ग्रुप को एडिट करके आपको अपना फोटो एडिट कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले वाले ग्रुप को सिलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको इमेज का 5 लेयर देखने को मिलेगा, सारे में आपको अपना फोटो एडिट कर लेना है। इसमें आपको फोटो कुछ इस तरह से एड करना है कि जितना भी ग्रीन लेयर है उसमें आपको एक ही फोटो को सारे लेयर में एड करना है और रेड वाले लेयर में अलग फोटो एड करना है। तो चलिए हम इसको एड कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने 4 लेयर में एक ही फोटो एड कर चुके हैं। इसके बाद फिर आपको रेड वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपको अपना नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने पहले ग्रुप के सारे लेयर में अपना फोटो एडिट कर चुके हैं। इसी तरह से आपको एंड तक जितना भी ग्रुप है सारे ग्रुप को एडिट करके आपको अपना फोटो एडिट कर लेना है। तो चलिए हम इसको एडिट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड तक हम अपने सारे ग्रुप को एडिट करके अपना फोटो एडिट कर चुके हैं। तो फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। अगर आपको इसको सेव करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। अगर आपको इसको गैलरी में सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ से बोलिए ऑप्शन
ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।